बहुजन समाज की महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ में भीम सेना की प्रदेश अध्यक्ष समेत बहुजन समाज की महिला पुरुषों ने एसपी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची है, जहां पर समझाइश के प्रयास किए गए हैं। भीम सेना के प्रदेश अध्यक्ष भागचंद मेघवाल ने कहा कि गढ़गांव में दूल्हे को घोड़ी से उतारकर मारपीट की गई है। घटना को करीब 4 माह बीत जाने पर भी पुलिस की ओर से कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। इसके साथ ही पीड़ित परिवार ने डीएसपी पर परिवार को धमकाने के आरोप लगाए हैं। ऑफिस के सामने हम धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, क्योंकि इनकी जो शिथिलता है, जो इनकी निष्क्रियता है, ये इतनी क्रूर हो चुकी है पुलिस प्रशासन की। किसी भी तरह के का इनको न्याय की बात नहीं करते, करप्शन में लिप्त हैं। करप्शन के तहत ये उन अपराधियों को संरक्षण दे दिया जाता है इनके माध्यम से, और वो आज़ाद परिंदे के रूप में घूमते हैं। हमारी जो मेन उद्देश्य अब यहाँ बैठने के, जब तक इनकी सब मांगे हैं हमारी, अपराधियों को जब तक अरेस्ट नहीं किया जाता है, जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, और जब तक बैठे रहेंगे जब तक ये पूर्ण रूप से हमें न्याय नहीं मिलेगा, चाहे हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, चाहे इस आंदोलन को हम सिंह बौद्ध प्रदेश महासचिव भीमसेना से, जबकि हमारी दबी कुचली समाज है, इनके साथ आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। हमें बहुत ही बार अफसोसने की बात ये पड़ी है कि यहाँ का जो सीओ है, रीडर है, हमें तो यही समझ नहीं आया सीओ रीडर है या रीडर सीओ है। यहाँ का प्रशासन की जो बहुत ही गंदी तरह की रवैये की भाषा, सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, राजगढ़ उपखंड और डिप्टी कार्यालय राजगढ़ पे हम लोग धरना देकर बैठे हैं, सभी समाज के लोग, सभी घटनाओं को लेकर, जिनमें आपको बता देना चाहता हूँ। एक घटना थी जो गढ़गांव पड़ता है खिलोड़ी के पास में, उसमें 4 महीने हो गए दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार कर नीचे गिरा दिया जाता है। उसमें आज दिनांक तक 4 महीने बीत जाने के बाद भी ना तो कोई पीड़ित मुलजिम गिरफ्तार हुआ है, ना पीड़ित परिवार को कोई सहायता और राहत दी गई है। और पूरी पीड़ित परिवार जब थाने में गुहार लगाने, डिप्टी ऑफिस गुहार लगाने आता है, तो उसका रीडर कजोड़ मलकूजर वो पीड़ित परिवार को धमका के ये कह देता है कि आपकी फाइल हमारे पास नहीं है, ऊपर गई हुई है, तब तक हम फाइल नहीं आएगी, तब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करेंगे। दूसरा